जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस फैमिली। मैं हर्षित आनंद आ चुका हूं एक नए इंस्टीट्यूट के रिव्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि कोलकाता के नियर बाय लोकेटेड है। इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो भी ऑनेस्टली। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम बायस्ड होकर के आपसे शेयर करने नहीं जा रहे हैं। जो भी फैक्ट्स होंगे, प्रोस एंड कॉन्स दोनों हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हो, 80% जो सीट्स होती है वो WBJEE के अंदर रिजर्व होती है। 80% सीट, 10% सीट्स जेई मेंस के थ्रू और 10% रिजर्वेशन कोटा। तो अगर आपने WBJEE का फॉर्म फिल कर दिया है, जिसका आज लास्ट डेट था, तो आप WBJEE के थ्रू इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इंस्टीट्यूट कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर करने वाली है, कैसे इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। सो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करती है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कब स्टैब्लिश हुई थी। तो ये इंस्टीट्यूट 2001 में स्टैब्लिश हुई थी और ये इंस्टीट्यूट मकाऊ के अंदर एफिलिएटेड है। मकाऊ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके अंदर पहले और IIM, UIM, IIM जैसे इंस्टीट्यूट जो सारे इसके अंदर ही एफिलिएटेड थे। मकाऊ जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये इसके थ्रू ही HIT अपना हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एफिलिएटेड है, जिसके अंडर IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स भी एफिलिएटेड थे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसको NAC की ग्रेड एग्रीगेशन भी मिल रखी है, NBA के थ्रू भी मिल रखी है और ये AICTE के थ्रू भी अप्रूव्ड है। तो ये एक यूनिवर्सिटी, और जैसा मैंने आपको बताया कब स्टेबलाइज हुआ था, 2001 में ये इस्टेब्लिश हुई थी ये इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट का अगर हम देखें कि इस वीडियो में हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इसकी कनेक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कौन कौन सी प्रोग्राम्स हमें ऑफर करती है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कोर्सेस जो है इसके कौन कौन से हैं और साथ में उनका फीस स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में जैसा मैंने आपको बताया, मोड ऑफ एडमिशन, प्लेसमेंट और एट द एंड पर्सनल कौन, साथ में मैं अपना POV भी बताऊंगा आपको, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जाता या फिर नहीं, या फिर मैं इस इंस्टीट्यूट को कैसे रेट करता, लाइक कौन से कोर्सेज के लिए मैं इस इंस्टीट्यूट को परस्यू करता और कौन से कोर्सेज के लिए नहीं। तो चलिए हम कनेक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का कैसा होने वाला है कनेक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसका लोकेशन अच्छा है, ये आपका हल्दिया जैसा नहीं है, हल्दिया जैसा इसका लोकेशन नहीं है, जो कि कोलकाता से काफ़ी आउटर है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है, ये हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है उससे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बेलीगुने जो रेलवे स्टेशन है उससे 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। साथ में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है उससे 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है इन कॉम्पेरेटिवली विथ हल्दिया। अगर आप कनेक्टिविटी को कंसिडर करते हो वन ऑफ द पैरामीटर्स, तो आप इसकी कनेक्टिविटी को आराम से प्रिफर कर सकते हो क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी रहने वाली है। अब देखते हैं ये इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इस इंस्टीट्यूट में सेपरेट लाइब्रेटरीज मिल जाएंगी आपको, साथ में लाइब्रेटरीज के अलावा लाइब्रेरी आपको मिलेगा, हॉस्टल मिल जाएगा आपको सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, कैंटीन मिल जाएगा, मेडिकल हॉस्पिटल, बैंक, ATM सब कुछ है, साथ में IT इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंस्टीट्यूट का है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस इंस्टीट्यूट में आपको एक अच्छी लेबोरेटरी भी मिलने वाली है, साथ में ये इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इस इंस्टीट्यूट की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो भी ये इंस्टीट्यूट में आपको स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। साथ में मैंने आपको बताया था कि जो हॉस्टल है इसका, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल है यहाँ पे, पर मैंने एक अपना मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल है उसका एवरेज फी 58,000 पर ईयर है। तो फी जो है, ये अफोर्डेबल है, फी जो है वो अफोर्डेबल है। और अगर इनकी आप ये हॉस्टल प्रीफर करना नहीं चाहते,
आप लाइक सेपरेट रहना चाहते हो तो पीजीज वगैरह भी वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी, पर हॉस्टल आप परस्यू कर लो क्योंकि हॉस्टल की जो फी है वो काफी अफोर्डेबल होने वाली है। चलो तो हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए इधर लाइब्रेरी भी मिलने वाला है, और जो ये इंस्टीट्यूट है आप में आपका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आईएम के कंसीडर में कॉम्पिटिटिवली अगर हम आईएम को कंसीडर करते हैं उससे बढ़िया रहने वाला है। अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी प्रोग्राम्स हमें ऑफर करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली अपना फोकस बीटेक पे है, अपना फोकस बीटेक पे रहने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस। डेटा साइंस का जैसा मैंने आपको बताया कि अभी बूम चल रहा है, डेटा साइंस भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी आप परस्यू कर सकते हो। तो ये आपके और साथ में ये कोर्स CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये कोर्स भी आप परस्यू कर सकते हो इस इंस्टीट्यूट से। ये कोर्सेस, ये प्रोग्राम ये इंस्टीट्यूट ऑफर करती है। तो अगर आपका इन प्रोग्राम में से किसी भी प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट है तो आप इंस्टीट्यूट के लिए सोच सकते हो। फी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम इसे जरूर कंसिडर करते हैं कि इसका फी स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका जो 58,000 इसका हॉस्टल फी है जो कि काफी अफोर्डेबल है, और हॉस्टल फी नहीं जबकि इस इंस्टीट्यूट का जो आपका फी है, जो इस इंस्टीट्यूट आपको इस कोर्स के लिए जो फी चार्ज करने वाली है वो भी काफी अफोर्डेबल है। बीटेक के लिए 1,16,000 आपको पर ईयर देने होंगे, यानी कि 58,000 पर सेमेस्टर फी होने वाली है आपका बीटेक के लिए। बीटेक लैटरल की भी सेम है, अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो फी थोड़ी बढ़ती है, वो अराउंड 1.5 लाख के करीब जाती है, और सेम एमसीए के लिए। तो अगर आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं भी हो फिर भी ये इंस्टीट्यूट आप परस्यू कर सकते हो क्योंकि इसका फी स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहने वाला है। साथ में आप बिहार एंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है, बिहार झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये भी लगा सकते हो इस इंस्टीट्यूट के लिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, मोड ऑफ एडमिशन क्या रहने वाला है। तो ये क्राइटेरिया है जो मैंने मेंशन कर लिया, तो आप देख सकते हो कि ये इस क्राइटेरिया पे आप स्टैंड बाई करने चाहिए अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है। जैसा मैंने आपको बताया था जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, और डब्ल्यू बी जेई के थ्रू अराउंड 80% जो सीट्स होती है रिजर्व होती है, 10% जेई मेंस के थ्रू होती है। तो अगर बीटेक में आप लेना चाहते हो एडमिशन, और 10% जो होता है वो होता है रिजर्वेशन कोटा के थ्रू। साथ में अगर आप इस चीज पे स्टैंड बाई करते हो, आप रिजर्वेशन कोटा के क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई कर सकते हो, इवन आप डायरेक्ट एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो, और अगर आप सारे क्राइटेरिया जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करोगे तो हमारी टीम आपको इस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन लेने में भी हेल्प करेगी। तो आप जो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, उस पर मेल ड्रॉप कर सकते हो, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और आप इंक्वायरी कर सकते हो एडमिशन रिगार्डिंग, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज आप WBJEE के थ्रू पेपर देकर 80% जो सीट्स होती है रिजर्व होती है उधर से एडमिशन ले सकते हो। एमटेक में एडमिशन लेने का भी मैंने क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है कौन से एग्जाम में, और ये साथ में जो आप एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो जेई सीए के थ्रू एडमिशन आप ले सकते हो, पर अपना मेजर फोकस है बीटेक। तो बीटेक में अगर आपका बाय चांस नहीं हो पा रहा और आप कुछ मार्क्स के लिए आप रह जा रहे हो तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी कॉलेज टू कैंपस की टीम आपकी आपकी मदद करेगी डायरेक्ट एडमिशन में अगर आप क्राइटेरिया पे स्टैंड बाय करोगे तो। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग कैसा होने वाला है। प्लेसमेंट कैसा है, अब जैसे प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा हाइप होता है अपने दिमाग में, तो प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका हाईएस्ट पैकेज रहना रहा है। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये कॉलेज है इसका पीटी सेल जो है, जो प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल, वो काफी डेडिकेटेड स्टाफ है, उनके पास खुद NIT IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का एक्सपीरियंस है, एमटेक होल्डर्स हैं, तो वो टीम आपको जो मार्केट में डिमांड है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, वो सब कुछ उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप स्टैंड बाई कर सको, उसको ग्रैब कर सको, उसके लिए आपको हेल्प करती है आपके ग्रोथ में। साथ में जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज इंफोसिस, TCS, विप्रो, अमेजोन, इवन अमेजोन में अच्छा पैकेज भी लगा है इस इंस्टीट्यूट से, गूगल, ऐसी कंपनीज भी इस इंस्टीट्यूट में आती है, इस इंस्टीट्यूट के बच्चों का अमेजोन जैसे कंपनी में भी प्लेसमेंट लगा है, तो ये आपको एक वाइडर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ऑन कैंपस अमेजोन, मैंने आपको बताया कि अमेजोन में अच्छी प्लेसमेंट लगी है, ये 18 लाख पर एनम अमेजोन में लगी, जबकि गूगल में ऑफ कैंपस 22 लाख
22 लाख ऑफ कैंपस, जिसमें कैंपस का इन्वॉल्वमेंट कम होता है ऑफ कैंपस कैंपस प्लेसमेंट में, अदरवाइज जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है उसमें कंपनीज विजिट करती हैं, कैंपस से आपका सिलेक्शन होता है, उसमें आपके इंस्टीट्यूशन का बड़ा रोल होता है. तो ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और ये इसकी रही ऑन कैंपस प्लेसमेंट. एवरेज प्लेसमेंट अगर देखिए तो 55.63 लाख पर एनएम है. ये बीटेक की सीएससी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है. तो उसमें आपका रहने वाला है 5.63 लाख से 6 लाख के अराउंड एवरेज प्लेसमेंट, जो कि काफी अच्छा है. प्लेसमेंट परसेंटेज जो कि मैं चेक कर रहा था वो भी अराउंड 85% है. तो ये भी एक अच्छा डेटा है. प्लेसमेंट परसेंटेज 85% होने का मतलब कि अगर 100 बच्चे अपीयर करते हैं तो 85 जो बच्चे हैं, 100 आउट ऑफ 85 बच्चों का प्लेसमेंट लग जा रहा है कहीं ना कहीं. तो ये आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है. चलिए तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं. और अगर प्लेसमेंट रिगार्डिंग आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स. जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रोज जो मैंने आपको बताया, लोकेशन, इस इंस्टीट्यूट का जो लोकेशन है वो काफी अच्छा है. इस इंस्टीट्यूट का कनेक्टिविटी काफी बढ़िया है इन कंपैरेटिवली विथ किससे, हल्दिया. जैसा मैंने आपको बताया था उसके हल्दिया के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि वो इंस्टीट्यूट आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करती है या नहीं. तो लोकेशन इसकी प्रोज मैं मानता हूं. जो इसका सीएससी का प्लेसमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि सीएससी का प्लेसमेंट इसका काफी अच्छा है, 75 से 80%, अराउंड 85% भी गया है किसी किसी ईयर में प्लेसमेंट परसेंटेज. तो ये काफी अच्छा डेटा है. इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिलेगा आईएम के कंपैरेटिवली, जो कि स्कूल टाइप है, वहां प्लेग्राउंड्स भी आपको इतने बड़े नहीं मिलेंगे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका अच्छा होने वाला है. जो हॉस्टल फैसिलिटीज है बॉयज का, जैसा मेरी हमारी टीम ने विजिट किया था, वहां के बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया था, वो थोड़ा पुअर है. पर अगर आप हॉस्टल फी भी देख लो तो वो भी काफी कम है ना. फी भी अराउंड 58,000 पर ईयर. तो हॉस्टल फैसिलिटीज थोड़ा पुअर है, पर साथ में पीजीज वगैरह भी आपको बाहर मिल जाएंगी, है ना. तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, पर मैं नहीं मानता कि ये कॉन्स उतना बड़ा है जो आपकी स्टडी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है. 75% अटेंडेंस आपको चाहिए, यानी कि आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, है ना, आपको सिंसियर रहना पड़ेगा. 75% अटेंडेंस आपको चाहिए तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो. चलो, और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे बड़ी बात है. अब जैसा आपके बजट फ्रेंडली है ना, अब मेरी ओपिनियन अगर मानो तो अगर सीएससी में अगर आपका होता है तो आप 100% जाओ, क्योंकि सीएससी का प्लेसमेंट जो परसेंटेज है अराउंड 85% है. सीएससी का प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ अच्छे, अमेजोन जैसी कंपनीज, अमेजोन, गूगल, ये सारी कंपनीज विजिट करती हैं. तो एक वाइडर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपको आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए भी जाए. अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यही देखना होगा कि आपको कोर्स कौन सा मिल रहा है इस इंस्टीट्यूट में. अगर आपको सीएससी मिल रहा है 100% जाओ, है ना. और दूसरा, आपका इंटरेस्ट उस कोर्स में, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, है नहीं. ट्रेंड को फॉलो करके एडमिशन मत लो. अगर सिविल मिल रहा है और आपका सिविल सीएससी दोनों में इंटरेस्ट है, 100% सीएससी के लिए जाओ, क्योंकि सीएससी के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है. और इस इंस्टीट्यूट का अगर हम हिस्ट्री देखें तो सीएससी में प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया होने वाला है और रहा भी है पास्ट में. तो आप सीएससी के लिए, अगर सीएससी मिल रही है तो ब्लाइंड इस इंस्टीट्यूट के लिए जा सकते हो. दूसरा, इस इंस्टीट्यूट का जो फी है वो अफोर्डेबल है. वरना आप देख सकते हो कितनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज है, जहां पे आपको 15 से 16 लाख 20 लाख अराउंड लग जाता है एक बीटेक का कोर्स करने में, लेकिन इसका फी भी काफी कम है, अराउंड 58,000 पर सेमेस्टर फी है, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है ना. तो आप इस इंस्टीट्यूट के लिए जा सकते हो. तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपका हेरिटेज में हो रहा है, आप आईआईटी के लिए जाओ, आप एनआईटी के लिए जाओ. पर अगर आईआईटी एनआईटी नहीं मिल रहा और अगर हेरिटेज आपको मिल रहा है तो आप जा सकते हो ब्लाइंडली, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है, प्लेसमेंट परसेंटेज सीएससी के लिए, वो भी काफी बढ़िया है. तो आप इस इंस्टीट्यूट के लिए जा सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली, अगर आपको सीएससी मिल रही है. अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, एक बार आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अगर आप क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करोगे तो हमारी टीम आपको डायरेक्ट एडमिशन में भी हेल्प करेगी. तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में, एचआईटी के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो बिल्कुल ऑनेस्ट है. जो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे डिस्कस की है, बिल्कुल भी हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन बायस्ड होकर के आपसे डिस्कस नहीं किया है. बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे सब कुछ हमने डिस्कस किया है. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप एडमिशन के रिगार्डिंग, आपको
कॉलेज की रिगार्डिंग आपको किसी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज की रिगार्डिंग, इस पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए, तो आप उधर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, थैंक यू।